सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंतिका मिश्रा एंड आपके लिए आज मैं बहुत ही अच्छी एक ट्रिक लेकर के आई हूं, जिससे कि आप अपने पुराने यूट्यूब चैनल को फिर से शुरू कर सकते हैं, आप उस पर फिर से वर्क कर सकते हैं एंड अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि अगर उनका कोई पुराना यूट्यूब चैनल है जिस पर उन्होंने बहुत टाइम से वर्क नहीं किया है, कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और अब वो उसको फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कभी उनका वो चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, उनकी जो भी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी, तो इस वजह से वो पुराने YouTube चैनल पे वर्क ना करके और बल्कि सोचते हैं एक नया YouTube चैनल बना लेते हैं। लेकिन उस चैनल पर उन्होंने पहले से काफ़ी सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ उनके पहले से थे, जो कि पूरी तरीके से वेस्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे कि आप अपने पुराने YouTube चैनल को फिर से ग्रो कर सकते हैं एंड उसको आप मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो पुराना YouTube चैनल है उस पर अभी भी एक दो वीडियोस ऐसी होनी बहुत ज़रूरी हैं जिनमें कि व्यूज़ आ रहे हैं लगातार, क्योंकि अगर आपका एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा है इस टाइम पे और उस चैनल को आप अगर यूज़ करते हैं तो आपका चैनल आगे चल के ग्रो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई भी एक ऐसा वीडियो है जिस पर अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उस चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपनी ट्रिक पे आती हूँ, जो कि आपको करना है उसको मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको पुराने वाला जो आपका चैनल है उस पर जाना होगा और उसमें आपको किसी भी अच्छे क्रिएटर के, कोई भी जिस नीश पे आप वीडियो बनाते थे उसी नीश का आप ले सकते हैं या फिर किसी और भी नीश का आप ले सकते हैं, और आप जो भी आपको अच्छे शॉर्ट्स वीडियो मिलते हैं उन वीडियोस का आपको रीमिक्स तैयार करना है और रीमिक्स डालना है आपको अपने चैनल पर। जैसे कि जो ग्रीन स्क्रीन वाले जो वीडियोस होते हैं वो आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके वो शॉर्ट्स वीडियो ग्रो करेंगे और जैसे जैसे आपके वो शॉर्ट्स वीडियो ग्रो होंगे वैसे वैसे आपका चैनल भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके चैनल पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर भी आपके बढ़ने लगेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ने लगेगा आपका, और इस तरीके से आप अपने पुराने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी इसी तरीके से अपने पुराने दो चैनलों को ग्रो किया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो को लेकर आई हूं और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि आप भी इस तरीके से अपने पुराने चैनल को ग्रो कर सकते हैं एंड साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद आप उस पर अपनी लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी वीडियो वायरल हो सकती है एंड अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो लोग वैसे भी आपकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। मेन चीज़ होती है आपका कंटेंट, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको देखेंगे एंड अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियोस आगे नहीं चल सकती। लेकिन आप ग्रीन स्क्रीन पर वीडियोस बना करके अपने पुराने चैनल को आराम से ग्रो कर सकते हैं, आपका चैनल बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर फिर से ग्रो हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।